भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांत या उसके लक्षण या विशेषता। तो भारत की विदेश नीति का आरंभ सितंबर सन 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के पश्चात हुआ। अंतरिम सरकार मतलब एक इमरजेंसी, एक आवश्यकता के अनुसार एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री के रूप में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की विदेश नीति के रूप में निर्धारक थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्धारित किए गए भारत की विदेश नीति के सिद्धांत या विशेषताएं आज भी यथावत हैं। किसी भी सरकार ने भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं की है और इसके जो सिद्धांत और विशेषताएं हैं उसे हम आगे पढ़ेंगे। जो पहला सिद्धांत या विशेषता वो ये है कि साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद का विरोध करना मतलब अगर कोई राष्ट्र जबरदस्ती किसी दूसरे राष्ट्र पर अपना अधिकार जमाता है या उस पर शासन करने की कोशिश करता है, या साम्राज्यवाद के अंतर्गत अगर कोई कोई शासक अपनी जनता का जो देखभाल है सही तरीके से नहीं करता है, या उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारता है, या उन्हें पूंजी रखने का अधिकार नहीं देता है, तो ऐसे राष्ट्रों का क्या करना? विरोध करना। इसकी दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि विश्व में शांति स्थापित करना, शांति में विश्वास रखना। और संयुक्त राष्ट्र के जो कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो भी कार्यक्रम हुए उसको समर्थन प्रदान करना, काले और गोरे जो रंग भेद है उसका विरोध करना, बिना शर्त विदेशी सहायता की प्राप्ति। अगर कोई विदेश से कोई सहायता प्रदान करता है तो वो कैसा प्रदान किया जाए? बिना शर्त के, बिना किसी शर्त के सहायता प्राप्त हो। गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखना और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन करना, शस्त्रीकरण का विरोध तथा निशस्त्रीकरण का समर्थन मतलब हथियार बनाने या निर्माण करने का विरोध करना, और साधनों की पवित्रता। इस तरह से जो भारत की विदेश नीति है इसके मूल जो सिद्धांत है और इसकी विशेषताएं हैं। अगला जो राष्ट्रहित के अंतर्गत अगला जो इसका सिद्धांत है वो है पंचशील सिद्धांतों का समर्थन करना। पंचशील जो सिद्धांत है, भारत जो है इस सिद्धांत पर आस्था रखता है हृदय से। और पंचशील सिद्धांत की घोषणा जो है कब प्रारंभ हुआ? 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच जो है ये सिद्धांत अपनाया गया। उस समय भारत के जो विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाउ एन लाई। तो इनके बीच समझौता हुआ और ये समझौता को पांच सिद्धांतों पर समझौता हुआ जिसे पंचशील सिद्धांत का नाम दिया गया। तो इनका जो पहला जो सिद्धांत था जिसपे समझौता हुआ वो ये था कि प्रभुसत्ता या क्षेत्रीय अखंडता अर्थात एक दूसरे की प्रभुसत्ता या क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना बनाए रखना। दूसरा जो सिद्धांत था वो ये था कि अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे के क्षेत्र पर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, ना भारत जो है वो चीन के क्षेत्र पर आक्रमण करेगा और ना ही चीन जो है वो भारत के क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। अगला जो इसका सिद्धांत है वो है हस्तक्षेप अर्थात एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं, उनके जो देश के आंतरिक मामले होती है उस पर उस मामले पर हस्तक्षेप ना करना। अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अर्थात विश्व के सभी देशों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक एवं अपनी आंतरिक व विदेश नीति को बनाए रखना और सभी को अपने आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार हो।
बाद में पंचशील के जो सिद्धांत हैं विश्व के सभी देशों ने मान्यता दी, क्योंकि यह सिद्धांत पारस्परिक विश्वास की ऐसे सिद्धांत है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एशियाई अफ्रीकी एकता पर बल। एशियाई अफ्रीकी मतलब एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी राष्ट्र हैं उन पर एकता पर बल देना। तो भारत की विदेश नीति जहां साम्राज्यवाद के चंगुल से स्वतंत्र होने वाले देशों की स्वतंत्रता को स्थायी बनाने की रही है, वहां उसकी यह भी इच्छा रही कि ये देश जो हैं पारस्परिक सहयोग द्वारा अपना आर्थिक और तकनीकी विकास भी करें। एशियाई अफ्रीकी एकता को ठोस रूप देने के लिए समय समय पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा और भारत जो है सदैव इन सम्मेलनों के माध्यम से एशिया एकता पर बल देकर साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो विरोध का स्वर है वो मुखरित करता रहा या उस पे आवाज उठाता रहा। एफ्रो एशियाई सम्मेलन, भारत ने 9 उपनिवेशवाद की प्रक्रिया में भी भूमिका निभाई और 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता के संग्राम के समर्थन में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया जिसमें नेहरू जी ने इंडोनेशिया के बांडुक मतलब इंडोनेशिया एक राष्ट्र है, राष्ट्र के एक शहर है, एक जगह का नाम है बांडुक नगर में एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के सम्मेलन सन 1955 में आयोजन की और इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन अफ्रीकी एशियाई एकता की आधारशिला थी। इसमें 29 देशों ने भाग लिया, इसमें से 23 देश जो थे वो एशियाई देश थे और 6 अफ्रीकी देश थे। यह पहला सम्मेलन होने की दृष्टि से यह एक सफल सम्मेलन था। इसमें नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने जाने की भी अपील की थी और इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो से वरोनी के स्थान पर बातचीत की और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया। इसके मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका देश रहे। तो इस तरह से विश्व जो है गुट निरपेक्ष के अंतर्गत एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के जो राष्ट्र हैं वो इसमें मूल रूप से शामिल थे।